नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद। और यह है मेरा चैनल और इस चैनल के द्वारा मैं आपको हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे हेल्थ के टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं और ये वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इन चैनल पर जाके आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इन वीडियोस में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जो कोई डॉक्टर शायद आपको नहीं बताते और ना ही उनके पास टाइम होता है बताने का। इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है, इसलिए ये चैनल हमने बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे कि हमने किडनी स्टोन के बारे में देखा था और किडनी स्टोन के बारे में हमने जाना था कि किडनी स्टोन क्यों होता है, किडनी स्टोन के क्या क्या टाइप्स हैं, किडनी स्टोन के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उसे ट्रीट करते हैं। और मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी मेडिकल बीमारियां हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन हो सकते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो मेडिकल बीमारियां हैं, ऐसी कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था पिछली बार कि सबसे बड़ा कारण किडनी स्टोन होने का है आपके पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, और आपकी किडनी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आना, पेशाब के रास्ते के स्ट्रक्चर या फंक्शन में प्रॉब्लम आना। तो ये सारी बीमारियां, ये सारी दवाइयां या मेडिकल कंडीशन जो हैं, ये आपके किडनी या किडनी के किसी रास्ते के फंक्शन में या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम करती है। तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों, पहला रीज़न क्या होगा, किडनी के रास्ते में कहीं पर भी ब्लॉकेज आना। कहीं पे भी किसी भी कारण से अगर कोई ब्लॉकेज आता है, कोई चीज़ बाहर से दबा रही है, कोई अंदर ग्रो कर रही है, कोई जाने वाली जो रास्ता है वो सिकुड़ गया है, कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, कोई क्लॉट बन गया है, कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पर आपका रास्ता बंद हो सकता है और स्टोन बन सकता है। और दूसरी चीज़, अगर किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाए, सिस्ट मतलब पानी से भरे हुए गुब्बारे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं जिसे, पानी के भरे भरे गुब्बारे अगर बहुत सारे बन जाएं किडनी के अंदर, तो उससे भी आपके स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपके इवन आपके जो पेट हैं, अथड़ियां हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, बॉवल्स हैं, इनमें अगर क्रोनिक कोई बीमारी है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन है, तो आपको किडनी स्टोन के रिस्क बढ़ जाएंगे। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या आप ने एब्डोमिन की पेट की कोई ऑपरेशन करा रखा है, सर्जरी करा रखी है, तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं किडनी स्टोन्स के। उसके बाद दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपके यूरिन में, खासकर यूरिन में सिस्टीन ज़्यादा है, जिसे हम सिस्टीन यूरिया कहते हैं, सिस्टीन स्टोन उससे बन सकते हैं। अगर यूरिन में आपके यूरिक एसिड ज़्यादा है, जिसे हाइपर यूरिकोस यूरिया कहते हैं, उससे स्टोन बन सकते हैं। खून में अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, और तो यूरिक एसिड जाके छोटे छोटे जॉइंट्स में जमा होता है, उस जॉइंट्स में वो स्वेलिंग करके, वो सूजन करके दर्द करता है, खासकर पैरों के अंगूठे के जॉइंट्स में, जिसे हम गाउट कहते हैं, तो इन बीमारियों में भी आपका रिस्क बढ़ जाता है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने से रिस्क बढ़ जाता है। यूरिक एसिड पर हमारा एक डिफरेंट वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा है, पेशाब में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जिसे हाइपर कैल्सी यूरिया कहते हैं, जो कि कई दफ़ा फैमिलीज में रन करती हैं, कंजेनाइटल जेनेटिक, तो बेसिकली आपको सॉरी कंजेनाइटल कह रहा है, जेनेटिक कंडीशन है, जिससे कि आपका कैल्शियम ज़्यादा होता है यूरिन में, तो आपके कैल्शियम स्टोन्स होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। आपको एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि आपके थायरॉयड के पीछे होते हैं, चार छोटे छोटे हार्मोन्स होते हैं, दो इस तरफ दो इस तरफ, इनका काम होता है आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम उसको बढ़ाना, जिसे कहते हैं जिसे, और अगर ये हार्मोन बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, जिसे कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पैदा होने लग जाए, खून में कैल्शियम ज़्यादा है तो यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है, तो कैल्शियम स्टोन बन सकते हैं। लेकिन कैल्शियम अकेला स्टोन नहीं बनाता, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्जेलेट या फॉस्फेट के साथ बनाता है, तो अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा ऑक्जेलेट है, हाइपर ऑक्जेल यूरिया, तो उस वजह से भी आपको ऑक्जेलेट कैल्शियम स्टोन्स बन जाएंगे। फिर मोटापा, ज़्यादा मोटापा होने के साथ साथ रिस्क देखा गया है किडनी स्टोन्स होने का।
इसके अलावा दोस्तों, जैसा हमने पिछली बारी वीडियोस में देखा था कि रिकरेंट अगर बार बार आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उससे भी आपके किडनी स्टोन होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। आपको अगर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, जिसमें कि आपकी किडनी जो है आपके शरीर से खून से एसिड जो है वो निकालने से या फेल हो जाती है, वो नहीं निकाल पाती, तो आपके खून के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड रह जाता है, उसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं, उसमें भी आपको स्टोन ज़्यादा बनने का रिस्क रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कई दवाइयाँ हैं जिससे आपका रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डायूरेटिक्स, पेशाब ज़्यादा आने वाली दवाइयाँ, वाटर पिल्स, इनसे आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है और कई दफ़ा स्टोन्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। कैल्शियम बेस्ड दवाइयाँ जिनमें कि कैल्शियम ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे एंटासिड्स हैं, कई प्रकार के पीने वाले जो खासकर एंटासिड्स होते हैं वो कैल्शियम बेस्ड होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रेगुलरली आप वो ले रहे हैं तो आपका कैल्शियम बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम सप्लीमेंट, बहुत ज़्यादा कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी कैल्शियम बढ़ सकता है। नॉर्मल कैल्शियम से स्टोन नहीं होता, हाई बहुत ज़्यादा हाई कैल्शियम से होता है। कुछ और भी दवाइयाँ हैं जिनसे स्टोन हो सकता है, जैसे कि दौरे पड़ते हैं जिनको, उनको कई बार कोई अगर टोपिरामेट नाम की दवाई है उनसे स्टोन्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। इंडिनाविर नाम का एक प्रोटीज इनिबिटर दवाई है जिसमें जो कि HIV इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को दी जाती है, उनमें किडनी स्टोन्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे किडनी स्टोन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से नहीं होता, ये पानी कम पीने से होता है, ऐसी कई बीमारियों से होता है, और ऑब्वियसली खाने पीने का थोड़ा बहुत असर ज़रूर है, काफ़ी असर है बल्कि। तो इसीलिए आपका एक कंप्लीट चेकअप होना ज़रूरी है, आपके सारे मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज़, इन सबको देख के आपके डॉक्टर आपके लिए एक प्लान तैयार करते हैं आपके किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने किडनी स्टोन के बारे में डॉक्टर से बात करिए और बेसिक रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंडीशंस हैं कि आपको ये स्टोन्स क्यों हो रहे हैं। अगर आपको रीज़न नहीं पता तो ये बार बार होंगे तो प्रॉब्लम आती रहेगी, चाहे आप डाइट में कितना भी कंट्रोल करें। ऑब्वियसली डाइट का एक रोल है, यही रोल हम अगली बार डिस्कस करेंगे कि डाइट से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं किडनी स्टोन्स के लिए। तो डाइट क्या करनी, कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में वीडियो अगली बार बनाएंगे। सो होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, और मिली है तो ज़रूर ज़रूर ये वीडियो सबको शेयर करिए दोस्तों, और ये वीडियो शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।